खबर देहरादून से, जहां पर 9 फरवरी को पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ और इस मामले में कुछ अराजक तत्वों को चिन्हित किया गया है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि बेरोजगार संघ ने गांधी पार्क में दिए जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा अराजकता फैलाने के उद्देश्य से मौके पर पुलिस मौजूद रही। पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया गया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी। साथ ही सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। साथ ही फोटोग्राफी के माध्यम से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से रिपोर्टर अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस पार्टी के ऊपर, पुलिस हमारे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर जिन्होंने पत्थरबाजी की, और पत्थरबाजी करते हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी घायल हुए थे, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था, व्यापारिक प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया गया था, ऐसे सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। बहुत सारे चिन्हित हो गए हैं और ऐसे चिन्हित पत्थरबाजों के खिलाफ बहुत कठोर वैधानिक कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं।